मेरे प्यारे दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में कल के ही दिन और जो एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के और एक बेहद करीबी शख्स को समन भेज बुला लिया गया है। जी हाँ, आप सभी को मालूम हो, पहले सिद्धार्थ पिठानी की अरेस्ट, उसके बाद कस्टडी, फिर कस्टडी का एक्सटेंड हो जाना, फिर केशव और नीरज को बुलाना, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर उनको किसी अज्ञात जगह पर लेकर जाना, सारी रात पूरी मुंबई के अंदर रेड्स कंडक्ट करके दो पैडलर भाइयों को अरेस्ट करना, और अब सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड को समन भेज बुलाना। यस, द एजेंसीज आर ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि अगर आप सबको याद हो तो वो यही सुशांत सिंह राजपूत के बॉडीगार्ड थे, जिन्होंने सुशांत को तब भी क्लोजली देखा था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, और इन्होंने तब भी बड़े दिनों तक क्लोजली सुशांत सिंह राजपूत को देखा था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में आ चुकी थी, और इन्हीं बॉडीगार्ड ने रिपब्लिक टीवी पर बैठकर बड़े बड़े खुलासे भी किए थे और क्लियरली बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। उनके पास पैसे भी बहुत थे, काम भी बहुत था, मेंटली भी बहुत खुश रहते थे, और फिजिकली तो वो कितने औसम थे। इन सारी बातों को इस बॉडीगार्ड ने ओपनली रिपब्लिक टीवी पर दिए अपने इंटरव्यू में बता ही दिया था। और तो और, सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में प्रॉब्लम्स तब आई थी जब रिया चक्रवर्ती की एंट्री हुई थी। इसने साफ साफ बताया था कि ये लोग पता नहीं सर को कौन कौन सी दवाइयां खिला रहे थे, जिसके बाद वो सारा सारा दिन बेसुध रहा करते थे, अपने कमरे में ही सारा दिन सोए रहते थे, और हमें सुशांत सिंह राजपूत से बात करने भी नहीं दी जा रही थी, और उल्टा सुशांत सर के पैसों पर हर आए दिन दबाकर पार्टियां भी की जा रही थी, और इन पार्टियों का हिस्सा खुद रिया चक्रवर्ती के पापा भी बनते थे हर सैटरडे और संडे के दिन। यहां मैं बता दूं कि एनसीबी ने इस बॉडीगार्ड को समन भेजा, जिसके बाद ये एनसीबी के पास जाकर इसने अपना पूरा स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा दिया है। जिस तरह की अपडेट्स आई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के और भी करीबियों को समन भेज सकती है एजेंसी, उसमें उनके को स्टार्स जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ बहुत समय बिताया था, मैं समझता हूँ कि उन्हें भी एनसीबी को बुलाना चाहिए और उनसे भी कड़ी पूछताछ होनी ही चाहिए। अभी एनसीबी ने जिस बॉडीगार्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है, उसकी डिटेल्स तो अभी तक बाहर निकलकर सामने नहीं आ पाई है। इसमें जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है, मैं तुरंत ही आप सबको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा, और बहुत ही जल्द एक कॉन्स्पिरेसी को भी डीबंक किया जाएगा, जहां एक तरह से ये बताया जा रहा है लंबे समय से कि सुशांत सिंह राजपूत फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे और उनके पास पैसे ही नहीं बचे थे। इस कॉन्स्पिरेसी को हमारे सामने परोस कर हमें पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी का भी भांडाफोड़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज की डेट में। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार हैं, आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो जुड़कर हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।